बड़ा गरम मेरे ओ कासली खिजाना होता है कंबल। अरे बधाई हो रहत को बधाई हो तो हम भी कह सके कि मारे में भी कोई कंबल वाला हुआ। मारा हल्कू कंबल वाला हो गया तेरे तो भाग जाग गए। जिस तरिया तेरे जाके मारे भी जाग जाए। चिंता क्यों करता है माधव, भगवान के घर रह रहा है, अंधेर नहीं। तेल भी तो अंधेर होती है। पिछला चारा निम्बो की मां कम्बल कम्बल करती रही। पानी में कौन डाल सका मत होनी है। लाला टल गया होनी टल गई और इसी खातर मैंने खेती छोड़ दी। क्या खेती छोड़ दी तुमने? हाँ खेती छोड़ दी। क्या करेगा? लकड़ी में चूरा मिजूरी करूंगा पर लाला की कलाम में नहीं करूंगा। मेरी मां तेरी खेती छोड़ दे। ना ना खेती नहीं छोड़ सकता, किसान हूं। क्या यार छोटा किसान हूं पर हूं तो किसान। किसान की मत मरूंगा। बढ़िया बहुत बढ़िया, पर मैंने तो सोच लिया लाला की दी हुई मौत नहीं मरूंगा। यो शरीर रूपी कंबल पर भागते मिलता है। मैं भी कितना पागल आदमी किसी के मौके पे क्या दुखड़े लेके बैठ गया। तू जा जा अपनी घरवाली ने कंबल दिखा, थोड़ा ही खुश होगी भगवान कसम। अरे खुश तो होगी तब तो यह कंबल तारेगा। Come on.
मेरी तो खुशी के मारे कंबल ही निकल गया। जरूरत है मालिक, जरूरत
लो तो फिर लाला की भी तो कुछ जरूरत है। लाला को लाला के पैसे दो, लाला की जरूरतें पूरी करो। चलो मेरा ब्याज दो। नहीं, वो कंबल ले आया, अगली फसल पे लौटा दूंगा। कंबल ले आया, कंबल हाँ, अगली फसल पे लौटा दूंगा। अच्छा, मतलब तुम्हारी जरूरतें जरूरतें और लाला की जरूरत कई बताई थी मुन्नी भी कितनी खुश हुई और तो
सच हो मैं, क्या पता ये सपना सच हो जाए। कंबल आ जाए मेरा शहर जाके आ जियो, कंबल वाला काम तो नपटा ही दूंगा, कंबल ले आऊंगा कि मैं देखी जा रही। अरे जबरे जबरे दिखाया, तभी बहुत खुश हुई है।
सपने सच होते हैं। है? तुम बढ़ाया? हाँ, सुना तो है कि सफेद के सपने सच होते हैं, पर गरीब के सपने भी तो गरीब होते हैं। सच होती है तो क्या हो जाएगा? अरे कंबल आ जाएगा पल्ली, एक कंबल। जा पैसे ले, जो कुत्ता पड़े ना ये पैसे। सच्ची कंबल आएगा? अरे कंबल ओढ़ के ठेंगा दिखाऊंगा, सर जाके जाने का मैं तोड़ लेके आऊंगा। शहर जाके कंबल क्या रे, तू तो खुशियां लेके आएगा। कंबल आएगा और जाना चला जाएगा, कंबल आएगा और जाना चला जाएगा। जा जल्दी पैसे ले। हाँ ये काम उठा दो आज। अरे बात सुन। हाँ ये कंबल वाली बात किसी को बताइयो ना। क्यों? अरे क्यों क्या, मैंने देखा है जो बात होने से पहले बता दो तो वो होती नहीं है। हैरान, ये तो लाला की आवाज है। लाला की आवाज? ज्यादा खुश होने की जरूरत ना है, अपने पैसे लेना आया होगा। हाँ क्या कंबल? अरे पगली पगली, सपने में लाला भी तो आया था। हाँ? ये तो बताना भूल गया। कहने लगा ला मेरे पैसे दे, मैंने कहा जी मैं कंबल ले आया। मारा होगा उसने? बहुत मारा, तले बहुत मारा, फिर बोला चल जा जा, यो को कंबल में बिजा। पता ना स्पेस फेयर का सपना सच होने का लाला भी आ गया, सपने में आया था तो सपना सच हो गया। मैं जाती हूँ। जा जा जा, सपना सच हो गया। आयो आया 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 लाला जी, राम राम लाला जी। हाँ जय राम जी की। जय राम जी। कहाँ मर गया था? कहीं नहीं वाली, यही था। यही था? हाँ जी। तो इतनी देर क्या लगा दी आने में? मैं देख रहा हूँ कि बहुत काम चोर हो गया तू। नहीं 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 मालिक, सारा घास भी काट दिया था और सारी लकड़ी भी काट दी थी। अखबार बनकर आधी लकड़ी काट कर आ गया, जो छत पर पड़ी थी लकड़ी वो काल नहीं काटी। छत पे भी पड़ी थी वो कल काटूंगा मालिक। कल नहीं, आज, अभी इसी वक्त काटेगा। ठीक है जी। और हाँ, इस महीने का ब्याज नहीं देने आज। वो क्या तेरी नियत ठीक नहीं लग रही, नियत बिगड़ गई ना तो समझ से जाओगे। समझे ना? जी, 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 जी। अब खड़ा खड़ा जी जी क्या कर रहा है? जा पैसे लेकर आ। ऐसे ना मांगो ही ना, आराम करो से। पैसे लो, आज तो गरीब का सपना सच होएगा। ये क्या बकवास कर रहा? बकवास नहीं है मालिक, बकवास नहीं है। आज मेरे सिर एक सपना आया, सपने में आप यही घर में जहाँ बीबी घर मैं यहाँ खड़ा था, आपने कहा जा मेरे पैसे लेकर। मैंने कहा मालिक कंबल ले आ, मैं इतना सुनते ही आपने लात मारी। वो तो तुझे अब भी पड़ेगी। कंबल ले आओ मालिक, कंबल ले आओ। पहले मेरा आसन दे, प्याज दे, फिर जो मर्जी ला। महामारी तो कंबल नहीं आया ना, गुजर जाएंगे। गुजर जा, पहले खीसू गुजरा, फिर सुखिया गुजरा, मतलब डाला अपना खराब समाजा तुम रहा। क्या करें मालिक, हर फसल पे लटाते हैं, कर्जा है कि
घोड़े का नाम नहीं लेता। कहना क्या चाहता है कि लाला बेईमान है? ना, मैं बेईमान हूं? ना लाला छोड़ के।
मजूरी करेंगे। नहीं तो फिर उपाय करूंगा और क्या। कौन सा उपाय? वही वही जो घिसू ने किया। और क्या करूं क्या करूं? कंबल मेरे माही से मिलिया फिर राज मैं इसी को सवारूं। एक कंबल मेरा बालम मंगीदा एक कंबल मेरा बालम मंगीदा तभी माही से रोज पुकारूं मेरे साई से रोज
Yeah.
भाई यो बोला बाबा भी मांग क्यों पी यहाँ यहाँ तक पीकर रात काटनी इतनी मुश्किल हो रही वहां क्लास पर पत्ता किसना कटती होगी बता किसान के असली मजे देखा जब रहा किसान का ना दिन अपना ना रात अपनी और फसल का कोई भरोसा नहीं कभी बरसात दुश्मनी निकालती है कभी सूखा कभी पड़ा जो जाते पड़े थे बचगी फिर यो लल्ला दुश्मनी निकालता लल्ला दुश्मनी निकालता भाग है अपने अपने और क्या है अपने अपने भाग क्या करें जबले क्या तेरी मेरी कटर इस तरह की नहीं करती एक एक लाले के पास मोटे मोटे करते कंबट दर्जाई मजाल है तो जड्डा उनके पास चला जाओ जड्डा जाओ है तो जड्डे नबी खांसी हो जाए तेरे मेरे जैसे भाई जाटा रोग जमावा हर गर्मी अखा रखावा भाई गर्मी अखा रखावा
टीवी देखिए कमरे, टीवी देखिए यो डंडा ना आग के सामने किस तरह तू भी लाखा पाकेगा। देखिए टीवी देखिए Yo, 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 yo
जानवर खा गए खा
सकता हूँ मुन्नी, रात इतना पेट में दर्द होया, मैं तो मरते मरते बचा, मैं जबरा जबरा की कई हुई बात याद आ जाती, यो शरीर रुकी कंबल बड़े बाद में मिलता है, इसे व्यर्थ नीक बना जी। मैं तो अपने सारे किसान भाइयों से कहूंगा, जीना जरूरी है, चाहे किसानी पे जियो मजूरी करके जियो, और जियो क्या? तो क्या हम सारी उम्र इस तरह मर मर के जीते रहेंगे? यूं क्यों सोचती है पगली? कहते हैं 20 साल में तो कुर्डी के भी बाग जागते हैं, हमारे भी जागते हैं। मजूरी करेंगे पर जिंदा रहेंगे, क्या पता हमारे भी भाग जाग जाए। हाँ। हाँ।
वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, दुख के बादल पिघलेंगे, सुख का सागर छलकेगा, अंबर झूम के नाचेगा, धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। तो ये नाटक का हमने आनंद माना। कंबल, अब मैं गुजारिश करूंगा इस नाटक के डायरेक्टर और इस कहानी को रूपांतरित किया जिन्होंने मिस्टर अनूप शर्मा चंडीगढ़ से, वो आपसे मुखातिब हों और अपने सबसे पहले तो बस आप ही का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का जितना प्यार आपने दिया, रियली बहुत ही हमें भी आपकी वजह से इतना अपनी एनर्जी मिलती रही सब कुछ करने को, रियली बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के चीफ गेस्ट प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और NZCC जिन्होंने ये प्रारंभ किया कि मुंशी प्रेमचंद जी को लोगों के सामने लाया जाए, वो क्या है, कैसे उन्होंने भारत को देखा है, लोगों को देखा है, कैसे लोगों के अंदर गए हैं वो, और हमारी कोशिश है कि उसको वापस दिखाएं कि कैसे आज भी देखा जाए तो केवल पैकिंग बदली है, जरूरतें बदली हैं, किसान की हालत वही है, पैकिंग बदली है, कभी कंबल जरूरत थी आज जरूरत कुछ और जरूरतें हैं, उसका स्ट्रगल जारी है। चलिए तो सबसे पहले मैं अपनी कास्ट का परिचय करवा दूं जिनके बिना ये पॉसिबल नहीं था। लाला के चरित्र में हमारे नेगी साहब बहुत ही अच्छे उम्दा कलाकार हैं, इन्होंने बड़ा दुख दिया मुझे। हीरा सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। और माधो के कैरेक्टर में अभिमन्यु, और ये हमारी छोटी सी कास्ट है तो हम मिलजुल के काम करते हैं, ये हीरा सिंह और अभिमन्यु ये दोनों ही कास्टिंग में भी थे और दोनों ऊपर लाइटिंग में भी थे, एक एक सीन करके ये लाइट भी कर रहे थे अपने, और अभिमन्यु ने ही मेकअप भी किया। मुन्नी का चरित्र निभाया सौदामिनी कपूर, और आगे के जो हमारे कलाकार हैं इनका नाम है बसंत लाहौरिया। आपने जितनी ये म्यूजिक सुना, ये गाने की आवाज सुनी, ये गाना जो लिखा गया कंबल आएगा, ये इन्हीं का लिखा हुआ है, और संगीत बद्ध इन्होंने किया, आवाज इन्होंने दी, सारा म्यूजिक डिजाइन और लिरिक्स बसंत जी के हैं। छोटी सी टीम है लेकिन बड़ी मेहनत की टीम है, बहुत अच्छे से काम करती है, और एक बार फिर तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, हाल को तो मेरा नाम अनूप शर्मा है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन पंजाब यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ 2000 का, और चंडीगढ़ में आजकल क्षेत्र कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी मैं पहले मुंशी प्रेमचंद जी की आहुति कहानी, जो पहले कुछ दिनों पहले यहाँ पर उसका मंचन हुआ था, उसकी एडप्टेशन भी मैंने की थी, और आज ही एक गुल्ली डंडा कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की, उसका आज MP में भी उसका मंचन हो रहा है, वो भी मैंने एडप्टेशन की है, तो कोशिश है कि मुंशी प्रेमचंद जी को करने का किया जाए। तो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा प्यार मिला आप लोगों से, याद रहेगा हमें भी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा एक मिनट रुक जाइए। मैं अब गुजारिश करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री
खुशविंदर कुमार जी प्रिंसिपल एमएम मोती कॉलेज पटियाला कि वो मंच पे आए और प्रेमचंद है कि जो उसने उस समय लिखा वो आज भी सार्थक है ते इस जिस शिद्दत नाल इस टीम ने निभाया मैं सिर्फ इन्हां लई तिन ताड़ियां मार सकदा सजदा कर सकदा इस तो बल्कि इन्हां दी हौसला अफजाई ते नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर नूं मुबारकबाद देना चाहुंदा है जिहड़े कला प्रेमियां लई अजिहे मौके सिरजदे रहिंदे ने बहुत बहुत धन्नवाद ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NZCC ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹ ਲੋਹੀ ਦੇ ਕੇ